नमस्कार, वक्त है अ डायलॉग विद जेसी का। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज के शो में हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। साल 1979 से लेकर 2002 तक त्रिवेंद्र सिंह रावत आरएसएस में रहे, उसके बाद 2002 से बीजेपी में कई अहम पदों पर रहते हुए पार्टी की जिम्मेदारियां भी संभाली और अब बतौर उत्तराखंड के सीएम राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की जी हिंदुस्तान और जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र ने। वेलकम टू माय शो। आज से 20-25 साल पहले जी, जब उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से राजनीति शुरू की थी जी, तो क्या सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे, एक दिन चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा सोचा भी नहीं था। और जिस तरह से मैं कहूँगा कि मैं सामाजिक जीवन में आया था और राजनीतिक जीवन में भी जाएंगे ये भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय भी काफ़ी सक्रिय हम रहते थे कॉलेज की गतिविधियों में, लेकिन चुनाव लड़ना है वो कभी सोचा नहीं। साथ वाले बोलते थे कि भाई चुनाव लड़ लो, हमने कहा नहीं भाई चुनाव नहीं लड़ना है, हमको तो चुनाव लड़ाने वाले तैयार करने हैं। और इसलिए आज चीफ मिनिस्टर बने हैं ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो नरेंद्र भाई के संपर्क में कब आए, कैसे आए? नरेंद्र भाई से हमारा जो संबंध आया ये जब वो उत्तराखंड के प्रभारी थे, जब उत्तराखंड बना नहीं था तो उत्तराखंड राज्य के प्रभारी थे, और उस दौरान उनसे हमारा संपर्क आया। उनके जो सीधा सीधा जो उनका तरीका है बातचीत करने का, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, बड़ी स्पष्टता होती है ये करना है ये नहीं करना है। तीसरी बात मुझे लगता कि उनके पास नहीं होती है, तो उनसे सीखने को मौका मिला। और जब 2000 में जब उत्तराखंड बना और उसके बाद हमारी जो प्रदेश की टीम थी वो नरेंद्र भाई के साथ बैठी थी, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि चुनाव लड़ना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं थी, तो नरेंद्र भाई ने मुझे ज़रूर कहा अशोका रोड में, तो उन्होंने कहा जब तेरे को चुनाव लड़ने को बोल रहे हैं तो मना मत कर और चुनाव लड़ो, तुमको मना नहीं करना चाहिए। एकदम जो फाइनल डिसीजन था वो नरेंद्र भाई मोदी जी का था जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी का इस कंट्री में क्या मानते हैं अब तक आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि किसी भी देश का जो नायक है, जो देश का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि विश्व में उस देश की, अपने देश की प्रतिष्ठा हो। आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन आज हम देखते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जहाँ जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, वहाँ भारत माता की जय बोली जाती है, वहाँ सारे भारतीय इकट्ठे होते हैं और एक तरह से वो भारत का सम्मान है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने दिया है भारत में, भारत को दुनिया में एक सम्मानित स्थान पर उन्होंने पहुँचाया है। दूसरी बात, जो उन्होंने वायदा किया था करप्शन फ्री इंडिया का, क्योंकि पहले के समय में कहा जाता था कि हर रोज़ एक भ्रष्टाचार होता है, आज देश में इन पौने तीन सालों में कोई भी ऐसा मामला नहीं उठा है कि कोई उंगली उठाने का किसी को मौका मिला। आप अमित शाह के करीब माने जाते हैं, हाउ इज डिफरेंट देन अदर पार्टी प्रेसिडेंट्स, क्या लगता है? अमित भाई जहां बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, वहीं अमित भाई की जो निर्णय लेने की क्षमता है और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है, मैं समझता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एक अध्यक्ष, और जब निर्णय लेते हैं तो उसमें जितनी प्रॉम्प्ट और जितना वो जल्दी निर्णय लेते हैं, मैं समझता हूँ कि ये आसान नहीं है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था और जो हमारी सहयोगी पार्टी है, सहयोगी पार्टी रही है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, और अमित भाई ने कहा कि ठीक है हम अपने आप चुनाव लड़ेंगे, अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, एक ऐतिहासिक फैसला था। और उसके लिए केवल इतना निर्णय नहीं लिया, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया, बल्कि उसके लिए फिर पूरी रणनीति बनाना, और मुझे याद है रात को 9:30 बजे मुझे कहा गया, मैं देहरादून में था, कि सुबह 9:30 बजे मुंबई पहुंचो, महाराष्ट्र के चुनाव में लगना है आप लोगों को, और अपने साथ पूरी टीम तैयार करिए।
और हम लगभग 32-35 लोग हम महाराष्ट्र के चुनाव में गए, और सुबह 9:30 बजे रात के 9:30 बजे हमको बताया गया, सुबह रात को देहरादून से दिल्ली पहुंचे, सुबह 7 बजे की फ्लाइट से, और ठीक 9:30 बजे हम बैठक में थे। तो मैं समझता हूं कि वो निर्णय जो उन्होंने लिया था वो अपने आप में बिल्कुल अलग निर्णय था। यूपी के चुनाव में तो मैं प्रत्यक्ष सारे निर्णयों में मेरी भागीदारी रही है, तो उनकी जो निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है और परिश्रम की जो पराकाष्ठा उनमें है, मैंने रात रात भर काम करना उनसे सीखा। मैं तो सिर्फ 11 बजे तक अपना आराम कर लेता था, सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन अमित भाई देर तक जगते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, और कभी हमने उनके चेहरे पर थकावट नहीं देखी है। तो क्या लगता है केरल कर्नाटक में भगवा फहराएंगे वो? देखिए, केरल का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन कर्नाटक की मैं कह सकता हूँ कि इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये मैं कह सकता हूँ, हिमाचल में बन रही है, गुजरात में बनेगी। आप मुख्यमंत्री बने तो आपके साथ 4-5 मंत्रियों ने शपथ ली जो कांग्रेस रिबेल कहे जाते थे, तो कैसा अटपटा नहीं लगा कुछ आपको? नहीं, ऐसा है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की है तो मैं समझता हूँ कि वो संपूर्णता में की है, और हमने भी अगर किसी को स्वीकार किया है तो हमको भी ये स्वीकार करना चाहिए, संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए। हमने उनको संपूर्णता में स्वीकार किया है, जो पार्टी की जो विचारधारा है उन्होंने उसको स्वीकार किया है, उसके आधार पर वो चल रहे हैं, और फिर अटपटा लगने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, फाइलें सीधी आप तक आती हैं, सेक्रेटरीज भेज देते हैं। नहीं देखो, फाइल का तो एक सिस्टम है, फाइल सेक्रेटरी के थ्रू ही आती है, एक सिस्टम है फाइल का, और सीएम होने के नाते जो फाइल मेरे पास आनी जरूरी है वो मेरे पास जरूर आती हैं। बाकी जो मिनिस्टर्स जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा कोई मतभेद उनके साथ इस तरह का नहीं, कोई मतभेद, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। हमारे तो पुराने कुछ साथी भी हैं, जो हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा भी साथ में ली है, और कुछ लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिक संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपने कहा कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है, तो ये जो नेशनल हाईवे की सीबीआई इंक्वायरी की बात थी उसकी क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा? देखिए, उसमें हमने सीबीआई को उसको रेफर किया था, लेकिन हमने भी उस पर अपनी जो जाँच है SIT हमने उस पर गठित की थी, 6 PCS ऑफिसर हमने तत्काल सस्पेंड किए, और SIT की जांच एक हद तक हमारी कुछ इलाके में पूरी हो गई है, बाकी काफ़ी, क्योंकि लैंड से संबंधित है, काफ़ी उसमें बारीकी से हमको तहकीकात करनी होती है, और जो उस समय के लैंड एक्विजिशन ऑफिसर थे, विशेष भूमि अवाप्ति अधिकारी जो थे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के, उनके हमने लुक आफ्टर अभी नोटिस जारी किया है, और वो भागे फिर रहे हैं। SIT अपना काम कर रही है, मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी जांच ये बिल्कुल पुख्ता जांच हो रही है, और उसमें जो भी भागीदार होंगे उनकी जहाँ जगह होनी चाहिए उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। गडकरी जी का कोई व्यू डिफरेंट था या कैसे? नहीं, गडकरी जी का ये कहना था कि भाई जो कल्पित हैं उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए और किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। NH का जो अधिकारी हैं, क्योंकि जो भी एस्टिमेट जो बने हैं या जो भी मुआवजा बना है वो हमारा काम नहीं है, वो स्टेट का काम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, इसलिए जो NH के जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो लोग हैं, उनको उसमें ज़बरदस्ती नहीं घसरे जाना था। हमने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो SIT है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर जाँच करेगी, ये हम आपसे वायदा करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ये होना चाहिए, और अगर अपराधी है, NH के लोग भी अपराधी हैं, तो उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा है ये क्या है? अब कांग्रेस क्या कहती है, मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा डर अपना सता रहा है, क्योंकि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उन्हीं के शासनकाल में हुई हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अंदर से भयभीत हैं, उनके होंठों पर कुछ है और दिलों में कुछ और है। ये 600 करोड़ का PDS स्कैम को और पकड़ा आपने, ये क्या? जी, तो ये मेरे सामने बात आई कि राशन का जो चावल है वो बहुत घटिया क्वालिटी का आ रहा है, तो मेरा माथा ठनका कि मामला क्या है, हम तो अच्छा चावल भेज रहे हैं, पर जिनके लिए राशन है, गरीब लोगों का राशन है, उनको ये राशन ठीक नहीं मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, कैसे हो रहा है? तो जब मैंने उसको, मेरे ध्यान में आया,
और मैंने उस पर एक बड़े अच्छे ऑफिसर्स को मैंने उसकी जांच में लगाया तो पता चला ये तो राशन जो है स्कूटरों से सप्लाई हो रहा है, नंबर 100 ट्रक है और नंबर जो है स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर है। फिर ये देखा कि जो राशन सप्लाई हो रहा है, जो प्रथम दृष्टया जो सामने आया तो कागज आ रहे हैं, राशन आ ही नहीं रहा है। राशन बाजार से जो घटिया राशन है उसको उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। तो फिर हमने इस पर पूरी जांच बिठाई और प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि ये लगभग 600 करोड़ का जो हमारे पास जो आंकड़ा आया है वो 600 करोड़ के का आंकड़ा है। और हमने तुरंत RFC को बर्खास्त कर दिया, जो अन्य जो इंस्पेक्टर थे, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर थे, उन सबको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया है। उस पर जाँच चल रही है और जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये लोकायुक्त एक्ट आपने बनाया, गवर्नर मंजूरी दे चुके हैं, लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रेशर है? नहीं 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 नहीं, अभी उत्तराखंड का जो लोकायुक्त बिल है वो अभी विधानसभा की संपत्ति है, उसको प्रवर समिति को सौंपा गया है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी सरकार दृढ़ है, लोकायुक्त एक्ट, ट्रांसफर एक्ट सब लाएंगे? देखिए हम बिल्कुल हमारी उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, हम उसको आने वाले समय में लाएंगे भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा लोकायुक्त हो या ट्रांसफर एक्ट हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हम पहले चोरी करवाएं और फिर पुलिस बिठाएं, फिर हम जांच बिठाएं। हमारी कोशिश है कि भ्रष्टाचार हो ही नहीं, हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्लीनिंग अप ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई नया चीफ सेक्रेटरी लाएं आप, आगे क्या है? हाँ, अभी हमने भारत सरकार में हमारे एक सीनियर अधिकारी थे उत्पल कुमार जी, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया है। कुछ हमने सेक्रेटरीज भी भारत सरकार से मांगे हैं। हमारे पास 21 सेक्रेटरी की पोस्ट हैं जिनमें से हमारे पास केवल 3 सेक्रेटरी हमारे पास थे, तो 3 को हमने 3 महीना पहले प्रमोशन देकर के सेक्रेटरी बनाया है। और 2-3 सेक्रेटरी हमने भारत सरकार से आग्रह किया कि हमको कोई सेक्रेटरीज की ज़रूरत है, हमको काम करने में दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, हम जो भी हो सकता है हमको अप्लाई करिए। तो हमको अभी 3 सेक्रेटरीज का और भारत सरकार से, 2 हमारे पास पहुंच गए हैं, 1 अभी पहुंचेंगे। फिर हमने उन्होंने कहा कि कोई और भी कोई ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं उत्तराखंड में तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो तंत्र है वो आपके यहाँ उसको और विकसित किया जाए। किसानों के लिए आप काफ़ी काम कर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी वेव ऑफ किया आपने, फिर आपने लोन का 1 लाख तक का लोन लो 2% पे, कितना सक्सेस होंगी स्कीम्स? अभी तक हमारे को पास जो उसकी रिपोर्ट है, जो हमारी प्राथमिक समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, जो मैदानी क्षेत्र है उसमें बहुत लोगों ने उसको स्वीकार किया है। और अभी हम 9 नवंबर को देहरादून जिले का जो कार्यक्रम होगा उसमें अभी तक हमारे पास 6,700 लोगों की लोन हमने सैंक्शन किए हैं। ऐसे हरिद्वार में भी, वहाँ और ज़्यादा होंगे, ऐसी चमोली जनपद में लगभग 7,000 लोगों के ऋण अभी सैंक्शन हमने किए हैं। और हमने जो भी आएंगे, अनलिमिटेड है, कोई ऐसा नहीं कि कोटा है कि इतने लोगों को ऋण देना है, हमारे पास जो भी लोग आएंगे, और ये सॉफ्ट लोन है कि किसान इसको अपनी इच्छा से वो प्रोडक्शन में लगाना चाहता है, प्रोसेसिंग में लगा जाना चाहता है, प्रिजर्वेशन में लगाना चाहता है, या कुछ जो अलाइड कोई भी काम है अगर वो करना चाहता है तो उसको छूट है। वो कोई भी काम जो एग्रो बेस्ड काम होगा उसमें वो इस ऋण का इस्तेमाल कर सकता है। पहाड़ की एक और मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, लोग छोड़ के इलाका नीचे जाते हैं, क्या कर रहे हैं कुछ? देखिए हमारी मैं कहूँगा कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की हैं, वहाँ की इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण वहाँ पर बड़े उद्योग स्थापित करना तो कठिन लगता है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि जो हमने जो एक कृषि ऋण दिए हैं कि हमारे छोटे छोटे फार्मर हैं, हमारी जोत बहुत एक तो छोटी है और वो भी बिखरी हुई है, तो हमने उसके लिए चकबंदी पर हमने कहा, पहाड़ों के लिए हम लोगों ने तैयार किया कि भाई आप चकबंदी पर आइए। फिर जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उस पर हम लोग कर रहे हैं, एरोमेटिक प्लांट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। और क्लस्टर बेस्ड हमारी अप्रोच है कि हम किसी वैली को, इसको भाई हमारी वेजिटेबल बेल्ट है,
वहाँ वेजिटेबल्स करें, वहाँ कोई फ्रूट होगी, कोई एप्पल होगी, कोई दाल होगी। इस ढंग से अलग अलग वैलीज को अलग अलग रूप में वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम लोग विकसित कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। और जो किसानों की आय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुगना होना चाहिए 2022 तक, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। माइनिंग माफिया को कैसे हैंडल करेंगे? माइनिंग माफिया तो हैंडल हो चुका है, मैं आज पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि माइनिंग माफिया तो हमने 2 महीने के अंदर अंदर हैंडल कर लिया था। आज कोई भी माफिया न सेक्रेटरीट में आपको नज़र आएगा, न मुख्यमंत्री निवास में नज़र आएगा, और न वो नदी नालों में नज़र आएगा, उसको हम हैंडल कर चुके हैं। अब ये है कि हम जो हमारे पास जो खनन है नदियों में, जो हमारे पास मटेरियल है, उससे हम कैसे अधिकतम आय प्राप्त करें, और उसके लिए हमने अभी ई टेंडरिंग किया है ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी काम हो पूरी पारदर्शिता के साथ हो। और उपभोक्ता को हम इस बार रेट भी तय करने वाले हैं कि क्रेशर पर कोई कोई मटेरियल है तो आप कितने दाम पर उसको बेच सकते हैं, ये MRP हम इस बार लागू करने वाले हैं ताकि उपभोक्ता को सस्ता मिले और सरकार के पास भी जो राजस्व आना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में, उसमें कहीं कोताही ना हो। लिकर माफिया, शराब माफिया? देखिए, शराब माफिया और जो नशा है जो अवैधानिक तरीके से जो चल रहा है, उस पर हमने भारी मात्रा में उसको हम पकड़ रहे हैं। हमारी पुलिस ने, मैं ये कह सकता हूँ कि उस पर अच्छा काम किया है। क्या शराबबंदी लागू करेंगे नीतीश कुमार की तरह? नहीं, शराबबंदी के बारे में मेरा जो अनुभव है, जिन राज्यों ने भी शराबबंदी की है, अनुभव में आया है कि वहाँ पर काला धंधा शराब का बहुत विकसित हुआ है, वहाँ पर घरों में शराब बनना शुरू हो गया, गाँव में शराब बनना शुरू हो गया, और उसके कारण एक अवैध रूप से शराब के धंधे जो लोग करते हैं वो उनकी संख्या बढ़ी है। और जब शराब गलत किस्म की बनती है, अब जैसे बिहार में अभी भी सामने आया है कि 20 लोग विषैली शराब से वहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो उसका दुरुपयोग होता है, सरकार के राजस्व के भी नुकसान होता है, और जो लोग नशा करते हैं उनको भी एक गंदा नशा जिसको कहना चाहिए, या क्वालिटी जिसकी अच्छी नहीं है उस तरह का नशा मिलता है, तो उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है और कई बार जनहानि भी होती है। ये शराब के दुकानों की लोकेशन को लेकर जो वुमेन प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्या है? देखिए, प्रोटेस्ट ये क्योंकि शराब से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, जो घर की गृहणियां हैं, और ये हम लोग बहुत अच्छी तरह उनके कष्ट को हम भी महसूस करते हैं, और इसलिए हमने कहा कि भाई शराब की दुकानें ये दूर होना चाहिए। लेकिन पहाड़ों में दुर्भाग्य ऐसा कि बहुत संकरी घाटियां हमारी हैं, हम बहुत दूर जब गांव की तरफ बढ़ते हैं तो विरोध और तेज हो जाता है, शराब बंद होती नहीं है। इसलिए हम उनके विरोध का भी सम्मान करते हैं, उनका विरोध बिल्कुल जायज है। हमारी कोशिश रहती है कि जो पब्लिक विरोध करती है तो हम उसको थोड़ा सा, जहाँ पर विरोध ना हो वहाँ पर उनको दुकान आवंटित हो, हमारी कोशिश रहती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ आए, तो क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई कांग्रेस और आपके बीच? नहीं, मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और उत्तराखंड की जनता ने जो स्वागत प्रधानमंत्री जी का किया है, केदारनाथ जी में, और जब केदारनाथ जी बाबा केदार जब समाधि पूजा हो रही हो और उस समय हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं 19-20 किलोमीटर पैदल चल करके, जहां पर ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है, वहां पर इतने लोग पहुंच जाएं, तो उसे समझ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि उस भीड़ से जो हमारे कांग्रेसी मित्र हैं उनको थोड़ा बौखलाहट हो गई है, उनको थोड़ा परेशानी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत ने केदारनाथ के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए उसे अंडरमाइन कर रही है सरकार आपकी। नहीं नहीं, मैं तो, हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हरीश रावत जी ने कुछ नहीं किया है, हमने कभी ये बात नहीं कही है। और लेकिन हाँ, आपदा के 4 साल हो गए हैं, लगभग 3.5 साल हो गए हैं,
आज भी वहाँ पर 113 में से 73 लोगों के पास मकान नहीं है, घर नहीं उनके पास जो उस समय ढह गए थे। ये विफलता जरूर है। केदारनाथ को लेकर प्रधानमंत्री क्या विजन है, क्या रोड मैप लगा आपको बातचीत हुई जब? प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो बहुत ही, हम कहें कि बहुत एडवांस है। उनका यह कहना है कि जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की समाधि थी उसका भी विकास होना चाहिए, और उसका बिल्कुल उनका जो समाधि स्थल है उसके साथ साथ में संग्रहालय बनना चाहिए, जो शंकराचार्य जी की भारत को और विश्व को जो देन है वो भी वहाँ पर लोग अगर जानना चाहें तो उनको उससे संबंधित तमाम जो साहित्य है वो वहाँ पर मिलना चाहिए, और विविध जो माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उस तकनीक का भी इस्तेमाल करके हमको समाधि स्थल को एक नया रूप देना चाहिए। जो केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ जी के दर्शन जब लोग उस घाटी में आए तो दूर से दर्शन करें, इस ढंग से वहाँ का जो निर्माण है वो इस तरीके से होना चाहिए। जो मंदाकिनी और सरस्वती नदियाँ हैं उनके जो घाट हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत मजबूत और 100-125 साल के भविष्य को देखते हुए उस हिसाब से उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। जो वहाँ पर सड़कें हैं वो सड़क बिल्कुल सेंसर्ड होनी चाहिए कि आप जिस समय वहाँ पर जाते हैं, जिस पहर में वहाँ पर जाते हैं, उस पहर का संगीत वहाँ से निकले, उसका जो स्वरूप है वो एकदम धार्मिक स्वरूप हो, आध्यात्मिक स्वरूप हो, और वहाँ पर जब कोई जाए तो उसका वहाँ पर मन लगे। इन इलाकों में देखा मैंने कि मोबाइल कनेक्टिविटी पुअर है, क्यों नहीं आप जियो जैसी किसी बड़ी कंपनी से संपर्क करते हैं इसको, नेटवर्क को ठीक करने के लिए? हमने बात किया है रिलायंस ग्रुप से, और उनके एक अधिकारी हमारे पास आए थे और हमने उनसे अनुरोध किया है। हमने कहा हमारा सीमांत क्षेत्र है, और अभी तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का कि अभी दीपावली से वहाँ पर अब 1 रुपया कॉल पर मिनट जैसे सामान्य कॉल होती है वो उन्होंने किया है, लेकिन अभी तक हमारे जो सैनिक सीमाओं पर हैं उनको 6 रुपया पर मिनट कॉल का पेमेंट करना पड़ता था, सैटेलाइट फ़ोन की व्यवस्था थी। आज भारत सरकार ने उसको जैसे सामान्य फ़ोन की तरह उनको पेमेंट करने के लिए उसके लिए व्यवस्था की है। इस सारे इलाके में खासतौर पर चार धाम इलाके में जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपकी सरकार अब क्या कोई ठोस कदम उठा रही है? देखिए, एक तो ये सड़कें हैं, रेल कनेक्टिविटी है और एयर कनेक्टिविटी। गौचर में हमारा हवाई अड्डा है और उसमें अभी 14 सीटर जहाज उतर पाते हैं। उसमें अभी एक पहाड़ है सामने, उसका थोड़ा चल रहा है NGTC और सबसे हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसकी कटिंग करके और उसमें 40 सीटर तक का जहाज उतर सके, ये हमारी कोशिश हो रही है। इसी तरह से चिनाली सोड़ का है, उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उस पर जो प्रारंभिक काम हो रहे हैं। पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में उसको भी मॉडर्नाइज करने का काम हम कर रहे हैं, और देहरादून का जो हमारा एयरपोर्ट है उसमें हमारी अभी 4 एरोब्रिज अभी उसके लिए और स्वीकृत हुए हैं, उसका भी विस्तार का काम चल रहा है। और कुछ फॉरेस्ट लैंड है, कुछ लोगों की पर्सनल लैंड है, तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लगभग हो ही गया है, तो उसका विस्तार के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो गुंजाइश है वो बहुत कम है, पर्याप्त भूमि नहीं है क्योंकि सामने नदी पड़ती है, तो वहाँ तक उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। पन्नगर को भी बड़े जहाज़ों के उतरने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो उस पर भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है। क्या विचित्र संयोग है कि पौड़ी गढ़वाल से ही आप हैं, पौड़ी गढ़वाल से ही योगीनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, एक जिले से दो दो मुख्यमंत्री? देखिए, योगी जी तो सन्यासी हैं, उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में सन्यास ले लिया था। जब वो BSc कर रहे थे, हम तो खैर उनसे उम्र में थोड़ा आयु में ज़्यादा हैं, और उसके बाद उन्होंने सन्यास की घोषणा की और वो गोरखपुर के महंत हो गए। ये हमारे लिए भी सौभाग्य है, और कि उत्तराखंड से योगी जी भी हैं, उनका जन्म स्थान है, हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो कर्म स्थान भी यही है। मैं इसको एक सुखद मानता हूँ। एक सन्यासी अब
गवर्नेंस कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं जी, तो उनकी गवर्नेंस कैसी लग रही है आपको इन 7-8 महीनों की? वो शुरू से ही उनके परिवार का एक करेक्टर रहा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। मैं उनके पिताश्री अब तो सन्यासी हो गए हैं, अब तो उनके लिए सब समान हैं, लेकिन उनके पिताश्री से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। तो उनका जैसा स्वभाव है, फैमिली ही करेक्टर कहना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी बात कहनी है तो सीधी सपाट कहनी है, वो उनके जीवन में है। और वो तो धर्मनायक भी हैं, एक बड़े भारी मठ के नायक भी हैं, वहाँ के मठाधीश हैं, जिनके देश विदेश में लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनमें उनकी पूर्ण आस्था है, उनके एक इशारे पर, उनके कहने पर वो कुछ भी करने को तत्पर होते हैं। तो वो तो योगी हैं, हम तो साधारण हैं। तो उनके कार्यकाल में ताजमहल की क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या सब? मुझे लगता है ऐसे कंट्रोवर्सी जैसी कोई बात नहीं है, उनका अपना एक नज़रिया हो सकता है, किसी दूसरे का भी कुछ और नज़रिया हो सकता है, एक सामान्य घटना है, उसको बहुत ज़्यादा उसको मेरे ख्याल से ढोने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि माइनॉरिटीज और उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, सामान्य रिलेशन नहीं बन पा रहे? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो माइनॉरिटी के जो लीडर हैं वो कह रहे थे वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में, अब योगी जी के समय में हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई योगी जी में और जो अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम समाज है उसमें कोई कोई नई कंट्रोवर्सी हुई है। क्या लगता है 2019 से पहले मंदिर बन जाएगा, कुछ काम चालू हो जाएगा? हम तो चाहते हैं बने, देश का मानस चाहता है कि बनना चाहिए, लेकिन बनेगा तो कानून के दायरे में ही बनेगा, कोर्ट का निर्णय भी होना है, उसी के दायरे में बनेगा। क्या लगता है आपको, नोटबंदी और GST को लेकर देश की जनता का मूड बदल रहा है, और क्या राहुल गांधी मोदी का विकल्प हो सकते हैं कभी? मुझे राहुल गांधी जी देश के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं, काफ़ी लंबा समय उनको भी राजनीति में काम करते करते हो गया है, लेकिन जिस तरह से उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, जो और उनका बनना चाहिए था, मुझे लगता है कि अभी उनको उस पर और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लगता है अमेठी भी ले लेंगे उनसे, इस बार स्मृति ईरानी पीछे लगी हुई हैं पूरे दमखम से? देखिए, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 81 सीटें हैं, पिछली बार हम 72 जीते थे, इस बार हम 81 सीटें जीते हैं। क्या लगता है अमेठी के लिए स्मृति ईरानी मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं टक्कर देने के लिए? स्मृति ईरानी बहुत जुझारू लीडर हैं, और लीडर के साथ साथ वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्तापन चाहिए वो कार्यकर्तापन उनमें है। किसी कार्यकर्ता की बात आती है तो स्मृति ईरानी जोखिम लेकर भी वहाँ पहुँचने का प्रयास करती हैं, पहुँचती हैं, मैंने ये देखा है। और इसलिए स्मृति ईरानी में जिजीविषा भी है, और उनमें जो सामंजस्य होना चाहिए मन का, वाणी का, कर्म का, वो सब कुछ स्मृति ईरानी में है। तो बस सर, एक लाइन में ये बता दीजिए कि बचे हुए आपके इतने बड़े कार्यकाल में मैंडेट क्या है, आपके माइंड में क्या विजन है, एक बड़ा काम क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा जो सोच है, हम तीन चीज़ों पर हमारा फोकस है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर। और मेरी ये स्पष्ट सोच है कि हम इनको बड़े उद्योगों से नहीं, वहाँ के लायक, उसके लायक हमारी परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को स्वरोजगार दे करके गांव में और गांव के आसपास कुछ ऐसी नए ग्रोथ सेंटर डेवलप करके हम लोगों को वहाँ पर रोजगार भी दे सकते हैं, वहाँ पर हम नई टाउनशिप भी विकसित कर सकते हैं, और उनको पर वहाँ पर हम जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, वो भी हम उनको वहाँ पर दे सकते हैं। इसी विजन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पूरे जोश और उत्साह में जी, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई राज्यों में पार्टी का कामकाज देखा। उत्तराखंड के साथ साथ यूपी और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनाने में उनका योगदान रहा। अपने अनुभव से वो कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य सुरक्षित है। डायलॉग विद जेसी में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहिएगा हमारे साथ।